हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम कुकिंग। आज हम बनाने वाले हैं घेवर, जालीदार घेवर बिना मोल्ड के हम आज घेवर बनाएंगे। ये हम घेवर की रबड़ी बनाते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम ये रबड़ी बनाते हैं। ये मैंने एक कप ले लिया है दूध, और ये दूसरा कप, ये दो कप दूध ले लिया है हमने। अब हम रबड़ी बनाते हैं। गैस को हम हाई फ्लेम पर रखेंगे, फिर लो कर देंगे। ये मैंने दो चम्मच चीनी डाल दी है इसमें। ये हमारी रबड़ी हो गई है तैयार। अब हम चाशनी रख देते हैं। ये एक कप हम ले लेंगे चीनी चाशनी बनाने के लिए, आधा कप है पानी। चाशनी में इलायची डाल दिए। ये एक तार की चाशनी हम बनाएंगे। चम्मच घी ले लिया है। अब हम घेवर का बैटर बनाएंगे। ये थोड़ा हम घी को पिघल देते हैं। ये हम घी को ठंडा करके एक परात में डाल देंगे। आइस क्यूब डाल देंगे ये, और अच्छे से इसे फेटेंगे मुलायम होने तक। जो घी में दाने होते वो हमें नहीं रहेंगे इसमें दानेदार। ये देखिए, ये इस तरह से घी बन गया है हमारा। कोई ऐसा कोई दाने नहीं है इसमें। अभी हम बर्फ निकाल लेंगे। ये देखिए, ये सारा पानी हमने निकाल लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा हम मैदा डालेंगे। ये मैंने एक कप मैदा लिया है, थोड़ा थोड़ा अब इसमें डालेंगे जी। हम मैदा डालेंगे एक एक चम्मच अब इसमें, धीरे धीरे, और मिक्स करेंगे इसे। हमें डो नहीं बनाना है, ये इस तरह से हमें घी और मैदे में एक करना है। ये देखिए, ये कैसे घी और मैदा एक हो गए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से फेटेंगे, एक भी लम्स नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। ये रूम टेम्परेचर पानी है, फ्रीज का नहीं है। अब इसे थोड़ा थोड़ा डाल के इसे फेटेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। ये इसका इस तरह से, इसमें थोड़े से लम्स लग रहे हैं तो हम इसे छान लेंगे। ये हमारा बैटर, ये हम थोड़ा सा बैटर डाल के देख लेते हैं कि हमारा घी हो गया है कि नहीं। चर करके आवाज आएगा, ये हमारा घी हो गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। तो
ये थोड़े हल्के बबूले कम हो जाए फिर दूसरा डालना है, कम कम करके हमें डालना है इसमें। घी हमारा ठंडा नहीं होना चाहिए इसलिए धीरे धीरे डालिए। बहुत आसान रेसिपी है, जल्दी से झटपट बन जाती है, बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। बनके घेवर रेडी हो गया है और देखिए कितनी बढ़िया जाली पड़ी है। घेवर में शुगर सिरप मिलाएंगे, मैंने दो तरह के आज घेवर बनाए हैं, एक रबड़ी वाला भी घेवर बना के दिखाऊंगी आपको, और ये सिर्फ चाशनी डाली हमने शुगर सिरप। ये एक्स्ट्रा जो है चाशनी वो नीचे आ जाएगी, ये जाली पर मैंने हमने शुगर सिरप फुला दिया अच्छे से। ये मैंने बादाम छोटे बारीक कर दिए, ये बादाम डाल देंगे। ये देखिए गाइस, ये हमारा घेवर चाशनी का तैयार हो गया है। अब हम रबड़ी वाला घेवर बनाते हैं। ये देखिए हम ये रबड़ी अब लगा रहे हैं घेवर पे। देखिए गाइस, ये हमारा रबड़ी घेवर भी तैयार है और ये शुगर सिरप से घेवर भी तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, घर पे बनाइए, और अभी त्योहारों का दिन है, आप ज़रूर कोशिश करिए और बनाइए, बहुत ही अच्छा बनेगा और बहुत ही मस्त बनेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।